डीजी हेल्थ मिथिलेश चतुर्वेदी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव प्रांजल यादव ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में AD हेल्थ डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी, CMO डॉक्टर SK तिवारी, महिला अस्पताल के SIC डॉक्टर AK श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव प्रांजल यादव ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों को बताते हुए कहा कि अगर 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन से धुला जाए तो संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। इसी तरह विशेष सचिव प्रांजल यादव ने इलाजरत मरीजों के इलाज में बरती जाने वाली सावधानियों से भी अवगत कराया। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल बहुत जरूरी है, कैसे रोस्टर फॉलो होगा, कैसे सफाई होगी। जो पहले IPC के एक गाइडलाइन गई थी करीबन आज से एक महीना पहले, एलिमेंट्स स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के देखिए, इसको एकदम अपने जहन में उतार लीजिए, अपने घर में भी बताइए। हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स बढ़ गए हैं, लेकिन PPE का मतलब ये नहीं है कि 6 की 6 चीजें हमारी, वो 6 की 6 चीजें बहुत कम जगह यूज होंगी, आपको आगे बताऊंगा मैं। जब नॉर्मल आम मरीज जा रही थी तो आप डायलिसिस की मशीन पे, वेंटिलेटर की मशीन पे उनको आप डिसइंफेक्ट कर रहे थे, अभी आपको सारे जो इक्विपमेंट्स हैं जो जनरल यूज में आएंगे हर पेशेंट के बाद, इसमें तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अब वेस्ट भी जनरेशन हो रहा है काफी, तो जो फ्रीक्वेंट हाइट आपके हैंड हाइजीन आपको मालूम है, बेस्ट करें उस पर 10 हम अल्कोहल बेस आप यूज करें या हैंड वॉश करें, अभी भी ज्यादा यूज करते हैं हम लोग डोर हैंडल, जो जनरल इंडिकेशन होती है वहाँ कैची भी होती है, सेल फोन से एक दूसरे, अभी हम नीचे आ गए तो हमें भी अपने सेल से बात करानी पड़ी गाड़ी, ये बहुत यूजुअल है, लेकिन उसके तुरंत बाद हमने सेल फोन को डिसइंफेक्ट किया, तो ये आपको यूजफुल लेना पड़ेगा, हम कैजुअल नहीं हो सकते। मैं आपको बता रहा हूँ 100% तो बहुत ही मुश्किल है, अगर आप 10 में से 9 बार भी फॉलो कर लें तो हम अपने आप को बचाएंगे तो अपने परिवार को बचाएंगे या अपने साथियों को बचाएंगे। इसी प्रकार जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट है स्टेथोस्कोप, स्पिरोमैनोमीटर जो हमारा BP इंस्ट्रूमेंट है ना, और एयर गिवर्स जो यूज करते हैं काटने के लिए कैंची वगैरह, इनको बार बार डिसइंफेक्टेंट की हैबिट में लाना पड़ेगा, और इसीलिए मिथिलेश मैडम कह रही थी कि बार बार असेस कीजिए, बार बार फॉलो अप कीजिए, तो आपको जो गैप्स मिलते हैं उसकी इंपॉर्टेंस अपने हेल्थ केयर वर्कर, हेल्थ स्टाफ, केवल डॉक्टर ही नहीं सभी लोग, सभी को समझानी पड़ेगी, नहीं इसको हम कैजुअली नहीं लेंगे, ये लंबे रन पे चलेगा, अभी जो स्थिति दिख रही है इसको एकदम हैबिट में लेना पड़ेगा हैंड हाइजीन को, एंड वी शुड तभी हम सक्सीड कर पाए। सो हैंड हाइजीन के 5 मोमेंट देखिए, IPD में बहुत पेशेंट्स हैं और ये देखा गया है अभी तक 200 डेथ की एनालिसिस हुई है, 80% जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उनमें से 80% कोमॉर्बिड, उनको कोई ना कोई या तो डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या क्रॉनिक लंग डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज है, तो जो दूसरे पेशेंट्स हैं मेरी वो सिम्टोमेटिक ना हो, UTI वो भी सच्चा ना हो, तो आपको जो पेशेंट IPD में है उसको टच करने से पहले आपको हैंड हाइजीन फॉलो करना है, उसके बाद उसके बाद उसके ऊपर कोई एसेप्टिक प्रोसीजर हो रहा है तब भी, फिर उसका कोई बॉडी फ्लूइड आपने रिप्लेस किया है उसके बाद, कहने का मतलब है कि उसके बाद आप दूसरे पेशेंट को टच कर रहे हैं, उसकी फाइल टच करी है, उसका रैक टच किया है, कुछ भी उसके बाद आपको हैंड हाइजीन फॉलो करने के लिए यूज करना ही पड़ेगा एल्कोहल रब या हैंड वॉश। देखिए ये मूवमेंट्स मोटा मुद्दा समझिए, बस कोई नहीं कह रहा कि आपको कि कोई भी पर्टिकुलर साबुन लीजिए, कोई भी एल्कोहल पे 70% रब लीजिए, मेन बात यह है कि वो आपके हाथ में रहना चाहिए। इससे जस्ट पहले अगर पिछले साल की बात करेंगे, हम इसके बाद सोप से जो हैंड वॉश करते हैं तो आप बहुत जल्दी करके उसको छोड़ देते हैं, इसके कुछ मूवमेंट्स होते हैं पहले भी बताए गए, अभी भी नोट कर सकते हैं, वो सिर्फ एक निमोनिक है याद करने के लिए, सिंपल सुमन के उल्टा फिर मुट्ठी, इसमें नाकल साफ हो जाएंगी, इस तरीके से मुट्ठी नाकल साफ हो जाएंगी,
एक ऐसे अंगूठा, क्योंकि ये कॉमन ये जो कि सबसे ज्यादा काम में आती है अंगूठा, ऐसे नाखून नाखून में भी रहता है, ठीक है सुमन, और ऐसे कलाई। तो इस मूवमेंट को जब हम 5-5 सेकंड सब करते हैं तो हमारे करीबन 30-35-40 सेकंड वैसे भी होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सुमन के आप सबको बताइए, घर में बच्चों को बताइए, अपने बुजुर्ग को। चीज क्या है, इससे जस्ट पहले हम क्या कहते थे, जब भी खांसो छींको तो अपना हाथ आगे करो, अब इसको 0.5 किया जाता है। इतना रिफ्लेक्सेशन होता है खांसी या आपकी छींक, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने एल्बो के किस सरफेस पे छींक सकते हैं या खा सकते हैं, इसको हैबिट में लगे। अपने ऑफिस में प्रेस कीजिए, आपने ऐड भी देखे होंगे, कितने ऐड में आता है कि वो बस में कंडक्टर एक आदमी को छींक आ रही है और सब देख रहे होते हैं, उसके बाद जैसे वो अपना अप्रिशिएटिंग, अगर आप ये हैबिट में लेके आएंगे तो ये चीज आदत में आ जाएगी। तो जब भी खांसी या छींक आए तो कोशिश कीजिए फुल स्लीव, अगर अपनी शर्ट है या अपना सलवार है कुर्ता है सॉरी, तो उसमें छींक है या खांसी, वो एक हैबिट बनी हुई है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो टिश्यू को इस पे नहीं रखना है, अगर आपने टिश्यू भी यूज किया और एक ही हैंकी को बार बार यूज करना भी ठीक नहीं है तो उसको प्रॉपर डिस्कार्ड करना पड़ेगा।